ये लोग जब बोलते हैं मोदी का परिवार, तो जो हमारे रेसलर बहनें धरने कर रहे हैं वो उनका परिवार नहीं है क्या? मणिपुर मोदी का परिवार नहीं है क्या? जिधर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वो मोदी का परिवार नहीं है क्या? हर पेट्रोल पंप पे 2 नजर लगवाओ, जो भक्त ना उनके लिए 200 लगवाओ, और जो आम जनता ना उनके लिए रेगुलर रेट लगाओ। जब कांग्रेस की सरकार थी 55-60 रुपए से पेट्रोल बिक रहा था, तब लोग तो महंगाई से चिल्ला रहे थे, और आप गैस 110 हो रहे हैं। आप कहां गए? जरा व्हाट्सएप के बाहर आके असली दुनिया देख लीजिए। अपने दादा परदादा कांग्रेस को क्यों वोट देते थे ये उनसे पूछिए, अपने बाप दादा कांग्रेस को क्यों वोट देते थे पूछिए, और तब उनको बोलिए कि कब पहचान मिली भारत को। जब नेहरू जी थे तब से भारत को पहचान है। जब देश के पास क्या था, आज जो भी है वो उन्होंने सब जीरो से आज देश खड़ा किया है, और इन्होंने जो देश खड़ा था वो सब बिकवाया है। उनके घर में जितने बलिदान हुए, उनके मोदी के दूर दूर के रिश्तेदार में भी एक बलिदान हुआ है कि वे बताए। जब भी ये लोग जो बातें करते हैं ना, जब इन पे आती है तब ये सब भागते रहते हैं। ये इनका भाजपा का और आरएसएस का पुराना चाल है, जब इन पे आती है भाग जाते हैं। ऐसे बलिदान देने वाला इनमें से एक भी खानदान दिखाइए। राहुल गांधी में जो खास है वो सब यहाँ पे लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये कोई भी बुलाए हुए जनता नहीं है साहब, ये सब खुद होके आए हुए। राहुल का ये प्यार है, ये असली राहुल का परिवार है, ये देश है और वो उनका परिवार है। तीन तो 70 का सिलेंडर जो होता है 1100 रुपए करके, फिर 1000 रुपए करके, 900 करके, 800 रुपए जनता के हाथ में से लॉलीपॉप देने का काम कर रही है जनता। बहुत लोग हमें मिलते हैं रिपोर्टिंग के दौरान, वो कहते हैं पेट्रोल चाहे 200 रुपए लीटर हो जाए, गैस का सिलेंडर चाहे 2000 रुपए का हो जाए, आएगा तो मोदी। एक काम करो हर पेट्रोल पंप पे 2 नजर लगवाओ, जो भक्त है ना उनके लिए 200 लगवाओ, और जो आम जनता है ना उनके लिए रेगुलर रेट लगाओ। जब कांग्रेस की सरकार थी 55-60 रुपए से पेट्रोल बिक रहा था, तब लोग तो महंगाई से चिल्ला रहे थे, और आप गैस 110 हो रहे हैं। आप कहां गए? और जाति जनगणना के बारे में बोल रहे तो वहां पे मुंह नहीं खुलता उनका। नारी इधर जब राहुल जी ने नारी न्याय के बारे में बोला, तब उनको ये लोग जब बोलते हैं मोदी का परिवार, तो जो हमारे रेसलर बहनें धरने कर रहे हैं वो उनका परिवार नहीं है क्या? मणिपुर मोदी का परिवार नहीं है क्या? जिधर भी किसान आंदोलन कर रहे हैं वो मोदी का परिवार नहीं है क्या? तो ये जो बोल रहे हैं बस प्रचार करेंगे, एडवर्टाइज करेंगे, इनमें बाकी कुछ काम है ही नहीं। आसाम देखो, मणिपुर देखो, उनको उनका परिवार नहीं दिखता। उनका परिवार सिर्फ मीडिया है, अंबानी है, अदानी है, यही उनका मीडिया है। एक सवाल ये है कि मीडिया ने इतने घुटने क्यों टेक दिया? वो तो आजाद रहता ना। हम वो वाले नहीं है ना आजाद, कौन तो आप उनके परिवार वाले हो? नहीं नहीं, मीडिया मोदी का परिवार हो क्या? मीडिया जो है आप मोदी का परिवार हो, जवाब दो। आप मोदी का परिवार हो? पूरे मीडिया ने घुटने टेक दिए। ले क्या लगा है क्या? ये पाला, ये आप न्यूज पे बताइए कि न्यायपालिका जो है, कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट है, ये सबने घुटने टेक दिए। लगा है क्या ये देश का? एक और प्रजाति इस देश में पैदा हुई है, वो कहते हैं कि देश को आजादी तो 2014 के बाद मिली। वो अनपढ़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के टॉपर है ना सर। वो अगर शिक्षा की इतनी हालत नहीं की होती तो ऐसे जो आप नई प्रजाति पैदा होने की बात कर रहे हो वो हुई नहीं होती। ये सीखे ही नहीं लोग, बस व्हाट्सएप मुफ्त में मिल रहा है, वहाँ पे कुछ भी भेजो, कुछ भी पढ़ो, और वही सच मानते चलो। अरे अगर दुनिया को ये बोल रहे आजादी 2014 में भारत को मिली, मीडिया ने जो घुटने टेक दिया ना, थोड़ी सी अकेले में करो, इसके ऊपर नहीं, अकेले में ऐसा सोचो कि सही कर रहे क्या? मीडिया ने, सब मीडिया, सबने घुटने टेक दिए। मोदी का परिवार हो? नहीं, आप ही मोदी का परिवार हो। अंबानी, अदानी और मीडिया, आप ही मोदी का परिवार हो। इलेक्शन कमीशन मोदी का परिवार है। मीडिया ने घुटने टेक दिया, अच्छी बात नहीं है देश के लिए। बताइए 10 सालों में क्या एक भी काम मोदी जी ने सही नहीं किया? एक ही काम करने को आए थे क्या? अरे एक ही काम को आए थे क्या? एक ही काम को आए थे वो? अरे वो गलत क्या है कि एक ही धर्म जो है, सर्वधर्म समभाव किधर है? सबका साथ, सबका विकास, सबका बोलते जिसका, सबका जिसका, जो अंदर से जो राजकारण करने का वो तो कर ही रहे हो। अच्छा इधर आइए आप, चुनाव से पहले सबका साथ। एक बात सुनिए, बहुत से लोग कहते हैं कि देश को 2014 से पहले कोई जानता नहीं था, मोदी ने डंका बजवा दिया भारत का, पूरे विश्व में विश्वगुरु बनना है। अच्छा, तो ये सही है क्या बात? तो उनको बोलना जरा व्हाट्सएप के बाहर आके असली दुनिया देख लीजिए। अपने दादा परदादा कांग्रेस को क्यों वोट देते थे ये उनसे पूछिए, अपने बाप दादे कांग्रेस को क्यों वोट देते थे ये पूछिए, और तब उनको बोलिए कि कब पहचान मिली भारत को। जब नेहरू जी थे तब से भारत को पहचान है। जब देश के पास क्या था, आज जो भी है वो उन्होंने सब जीरो से आज देश खड़ा किया है, और इन्होंने जो देश खड़ा था वो सब बिकवाया है।
बिकवा दिया। देश हित में कुछ मुश्किल फैसले लेने होते हैं, उनका कहना है। किनका? मोदी जी कौन से? ये जनता की मुश्किलें बढ़ाने को ये फैसले लेने के क्या? जनता के फैसले लेने के जो तुम्हारे विरोध में है उनको टाइट करने का, उनकी कोंडी करने की, ये फैसले लेने के, उनको भाजप में लेके शुद्ध करने का। आपसे एक सवाल पूछते हैं, नोटबंदी से मोदी जी के लोग कहते हैं कि मोदी सरकार जो भी फैसले ले रही है इसके रिजल्ट जो है 30-40 बाद पता चलेगा कि देश कितना विकसित होगा। उनको 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 गारंटी है कि जब तक वो गालियां सुनने के लिए रहेंगे नहीं, लोगों के पटके खाने के लिए रहेंगे नहीं, इसलिए वो 30-40 साल बाद की बात कर रहे हैं। हम वो लोग बोल रहे हैं जब भारत जीरो था, जब नेहरू जी ने खड़ा किया, वो आप आज भी देख रहे हो। और इतने सालों से आप जो जिस कारण के वजह से आपके बाप दादे परदादे सब कांग्रेस को वोट देते आए ना, उसका कारण ये। राहुल गांधी ने ऐसा क्या कहा? देश को राहुल गांधी में जो खास है वो सब यहाँ पे लोग दिख रहे हैं ना आपको, ये कोई भी बुलाए हुए जनता नहीं है साहब, ये सब खुद होके आए हुए। राहुल का ये प्यार है, ये असली राहुल का परिवार है, ये देश है और वो उनका परिवार है। और उनके उनके घर में जितने बलिदान हुए, उनके मोदी के दूर दूर के रिश्तेदार में भी एक बलिदान हुआ है कि वे बताए। जब भी ये लोग जो बातें करते हैं ना, जब इन पे आती है तब ये सब भागते रहते हैं। ये इनका भाजपा का और आरएसएस का पुराना चाल है, जब इन पे आती है भाग जाते। ऐसे बलिदान देने वाला इनमें से एक भी खानदान दिखाइए।